एंटीबायोटिक्स, ये वो दवाइयां हैं जो अपनी रिकवरी रेट को बढ़ा देती। डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है बाकी दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेने से हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है एंटीबायोटिक्स में, कैसे प्रिपेयर होती है, इनके बारे में सीखना है। देखिए, एंटीबायोटिक्स वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है जो किसी भी माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और दूसरे किसी माइक्रोब को मारने के, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के, उसको कंट्रोल करने के काम में आते हैं। पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा, ये दुनिया का पहला खोजा गया एंटीबायोटिक्स था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में बूम देखा गया, इनका चलन बढ़ा, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इसी एंटीबायोटिक्स ने लाखों लोगों की जान बचाई। ये किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? जिस तरह से किसी का भी खून किसी को भी ट्रांसफ्यूज नहीं करवाया जा सकता, डोनेट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए वो एंटीजन का काम करते हैं या बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक वैसी जो प्रोटीन है, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो दूसरे के लिए लिथल हो सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना होगा, एम्पिसलिन का नाम सुना होगा, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। और जो पहला पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, उसको एक फंगस से एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फंगस से इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक फंगस में इसको पहचाना। वो बैक्टीरियल सेल पे काम कर रहे थे, बैक्टीरियल कल्चर पर काम कर रहे थे, और अचानक उन्होंने देखा कि उनकी जो पेट्री डिश है, कल्चर प्लेट है, जहाँ पर उन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ करवाई थी, उनके कुछ पोर्शंस हैं वो ब्लैंक हो गए, लेजाइंस बन गए, वहाँ पर चकते पड़ गए। और उनका जब ऑब्जर्वेशन किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर जहाँ पर लेजाइंस बन गए हैं, वो चकते पड़ गए हैं, वहाँ पर वो बैक्टीरिया साफ हो चुके हैं, बैक्टीरिया है ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया वहाँ से गायब हो गए? इन्होंने देखा कि जहाँ पर बैक्टीरिया गायब हो चुके हैं, जहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है पेट्री प्लेट के ऊपर, वहाँ पर फंगस ग्रो कर गया। जिस दायरे में वो फंगस ग्रो किया है, उस पूरे दायरे में कहीं पर भी वो बैक्टीरिया नहीं। बाद में पता लगा वो फंगस है पेनिसिलियम नोटिटम, जिसमें से निकाला गया पेनिसिलिन, और यही वो पेनिसिलिन है बैक्टीरिया को मार रहा था, जिसका सफाया कर दिया। तो एक माइक्रोब से निकाला गया प्रोटीन दूसरे माइक्रोबियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उनको कंट्रोल करने के काम में आता है। एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल गया कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।